हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इरशाद, सीनियर फैकल्टी जूलॉजी, वर्किंग इन सीएलसी। ये मेरे कलीग, मेरे दोस्त मिस्टर मनोहर चंदेलिया, टीम जूलॉजी, सीएलसी सीकर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये एप्लीकेशन बायोलॉजी, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर है, जिसकी जो गुरु नीति है, जो हमने डिस्कस की थी इससे पहले, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एक अच्छे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की एक डेप्थ नॉलेज वो भी मिल जाए, रिवीजन भी हो जाए। क्यों सर? पिछली गुरु नीति में आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था डिजीज पर, आज हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़्यादातर उन तक अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, टी लिम्फोसाइट्स आर मेनली produced in and matured in fill in the blanks by using the correct option। क्या पूछा है इसमें? T lymphocytes का पूछा है। T lymphocytes are mainly produced in, produce कहाँ होती है? bone marrow में, और and matured in thymus। तो ये T lymphocytes produced in bone marrow, it means produced bone marrow में and matured in thymus gland। तो mature कहाँ होगी? thymus gland में mature होगी। तो ये इसके लिए correct option क्या होना चाहिए? क्यों सर? directly correct option इसका आ रहा है second। तो bone marrow first blank space में आ जाएगा, second में आ जाएगा thymus gland। देखिए, बड़ा easy सा question है, लेकिन इसमें जो सर ने कहा उसमें एक छोटी सी बात मैं add कर देता हूँ कि maximum जो cells हैं, जो blood की हैं, उनमें से कुछ ही सेल्स जो होती हैं वो थाइमस में मैच्योर होके और लिम्फेटिक्स में ट्रेवल करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, लिम्फेटिक्स यानी कि लसिका वाहिनी हिंदी में अगर बोले, उनमें ट्रेवल करती हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर रहती हैं और कुछ एक जो है वो ब्लड में आ जाती है ना। मैक्सिमम ये लिम्फेटिक्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। और एक बात और कि अपन एक पॉइंट कहते हैं सर कि थाइमस जो है वो एडल्टहुड में जाके डिजेनरेट हो जाती है, लेकिन जो है इतनी टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो चुकी होती हैं कि वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अपने को देने में कैपेबल हो सकती है ना। लेकिन समय के साथ ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए अपन कहते हैं कि एजिंग के साथ साथ बॉडी का इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली ज्ञान होगा। टी और टी लिम्फोसाइट्स इसको इसी के अकॉर्डिंग, मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा। बी लिम्फोसाइट्स है उनकी मैच्योरेशन और फॉर्मेशन दोनों ही बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट्स की जो है वो मैच्योरेशन थाइमस। करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अपने को ये पता है कि प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, एक द्विपरपोषी परजीवी है जिसका जो जीवन चक्र है वो दो होस्ट में पूरा होता है। मनुष्य प्राइमरी होस्ट है और जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो सेकेंडरी होस्ट होती है। अब मनुष्य के अंदर संक्रामक अवस्था है जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वो होती है स्पोरोजाइट। जैसे ही वो फीमेल एनोफिलीज एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो वो स्पोरोजाइट जो है वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं सलाइवा के थ्रू, और वो ब्लड से माइग्रेट होके सीधे लिवर में पहुंच जाते हैं और वहां पे लिवर शाइज होती है। तो अब आपको ये स्टेजेस पता होनी चाहिए लाइफ साइकिल की। अब अपने पास यहाँ पे इतना टाइम है कि पूरी लाइफ साइकिल डिस्कस करें, तो यहाँ पे सीधे अब स्टेजेस है। जैसा गैमेटोसाइट है, ये गैमेटोसाइट जो होती हैं ये अल्टीमेटली लास्ट स्टेज में जाके बनती है आरबीसीज, सेक्सुअल साइकिल का पार्ट है सेक्सुअल साइकिल। आरबीसीज जो होती हैं उनमें से मैच्योर होकर निकलती है, गैमेट्स बनते हैं, ओओसिस्ट बनती है, ओकाइलिड बनती है, है ना। ये यहां से आगे की सारी सेक्सुअल स्टेज आ गई, स्टेजेस है। गैमेट्स के बाद ओओसिस्ट बता रहा है ये गड़बड़ हो गया, फिर उसके बाद ओकाइलिड जो है वो ये यहां बता रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि ओकाइलिड बनने के बाद वो पहले उसकी गट से या उसकी क्रोप वाले पार्ट से निकल के कहां जाएगा? मसल में जाएगा। तो सर उसके बाद वो उस सिस्ट बनाता है। तो वो काइनेट पहले आ गया, इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसका। दूसरा स्टेटमेंट है जायगोट। जायगोट कहां बनेगा? मॉस्किटो के अंदर, है ना। स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट से ट्रोफोजाइट, उससे गैमेट, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। स्पोर ट्रोफोजाइट से गैमेट बनता नहीं है, उसके हिसाब से उसके हिसाब बता रहा है ना। सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। तो सीक्वेंस देखनी है आपको, तो इसमें आप देखिए जायगोट, जायगोट जो है वो किस में बन रहा है? फीमेल एनोफिलीज में। अब ये इन्फेक्टेड हो गई जिसमें जायगोट बना, फिर वो आगे
क्या बना लेगी, स्पोरोजोइट बना लेगी, तो वो इनके अंदर ऐसी स्टेज में जो है वो क्या होगी, इन्फेक्टेड होगी फीमेल एनाफेज, वो आगे स्पोरोजोइट को रिलीज कर देगा किसमें, मनुष्य के अंदर, तो वहां वो जाके ट्रोफोजोइट स्टेज में आएगी और ट्रोफोजोइट से आगे जो है वो गैमेटोसाइट फिर गैमेट्स बनेंगे। एक्चुअली इसमें सर क्या है कि जो स्टेजेस है ना उसको पूरी नहीं लिख रखी, पूरी नहीं लिख रखी, इसमें बीच बीच के नाम लिख रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली ये चीज आप जब कर सकते हो जब आपको पूरी लाइफ साइकिल के स्टेजेस पता हो, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट इसको करना चाहे तो आपके दिमाग में रहेगा जायगोट के बाद स्पोरोजोइट कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, फिर ये ट्रोफोजोइट बता रहा, तो ये चीजें जो है वो आपको सारे इसमें देखने पड़ेंगे, ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि इन ऑप्शन में कौन से में सही सिक्वेंस है। इसमें आप देख रहे हो ये, इसके बाद देखिए आप गैमेट्स, गैमेट से गैमेटोसाइट बनाना, वो भी गलत हो गया, गलत हो गया है ना, आगे तो फिर मतलब ही नहीं है, तो ये इसका रॉन्ग हो गया, ये इसका रॉन्ग हो गया, ये ठीक है, सही है, ये वाला सेकंड इसके सिग्नेटरिंग स्टेज, अब हेपेटोसाइट की सबसिग्नेटरिंग किसी में आता, तो ये प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में हेपेटोसाइटिक साइकिल जो बनी होती है उसके बाद एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है, ये गलत हो गया सीक्वेंस, बाद में आनी चाहिए, क्रम गलत हो गया है, तो ये सीक्वेंस पूछा है इसमें, हां तो अब इसमें कहने को तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता, अपन ये सोचे कि यार डायरेक्टली थोड़ी इससे ये बन जाए, अगर इससे ये बन जाए डायरेक्ट नहीं बनना, लेकिन सीक्वेंस सीक्वेंस जो है वो अगर पूरा अपने को पता है तो अपन इजीली कह सकते हैं कि साहब ये सही इसका सीक्वेंस है, इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा आपको, ये इसके सही ऑप्शन जाएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट with respect to prevention, eradication of disease, कहाँ negative approach में आ गया, incorrect पूछा है, तो incorrect statement जो आया वो आपको बताना है इसमें, first option दे रखा है polio, diphtheria and tetanus have been controlled by use of vaccines, correct statement है? बिल्कुल, polio के लिए आपको ध्यान होगा, pulse polio अभियान चल रहे हैं, DPT का टीका लगता है, DPT का टीका लगता है, tetanus का toxoid vaccine होता है, vaccine होता है, सही, तो ये vaccination के through उसको कर सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है, स्मॉल पॉक्स हैव बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड बाय यूज ऑफ वैक्सींस, सही सही है, करेक्ट है, स्मॉल पॉक्स आज के टाइम जो है वो इंडिया से पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गया, तो इसको भी वैक्सीन के थ्रू इरेडिकेट कर दिया गया, वैक्सींस प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट अन इन्फेक्शियस डिजीज, ये यहाँ सर ने मार्क कर दिया था, गलत क्यों है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसलिए कि अनइंफेक्शियस डिजीज के लिए बता रहा है कि वैक्सींस प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट अनइंफेक्शियस डिजीज, कौन सी डिजीज के लिए होता है, वैक्सीन इंफेक्शियस डिजीज के लिए होता है, इसलिए ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फोर्थ डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स इज हेल्पफुल इन इफेक्टिव थेरेपी ऑफ डिजीज, सही करेक्ट, एंटीबायोटिक्स जो है वो डिस्कवर हो रही है, उसके कारण ही कोई भी पैथोजन आ रहा है उसकी ग्रोथ को पहले रोक सकते हैं, उसके बाद उसको बॉडी से किल किया जा सकता है, क्लियर, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट स्टेप, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट, करेक्ट आ जाएगा, क्लियर, ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, यहाँ पे आपने को देखो इम्यूनिटी का पता होना चाहिए कि दो तरह का प्राइमरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस आने में क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बॉडी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, उसके अगेंस्ट में फिर रिस्पांस लिया जाता है, तो इट इज अ लिटिल बिट लॉन्गर प्रोसेस एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में क्या होता है कि पहले तो एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने रिकॉग्नाइज करके उसको ले गया लिम्फ नोड्स में या फिर मैक्रोफेजेस उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो एंड इट टेक्स सम टाइम, है ना, अब उसमें जो टाइम लगता है इसलिए वो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस आने में जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन लग जाता है, है ना, तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट अटैक, अब ये पूछ रहा है नॉट द करेक्ट, नॉट द करेक्ट मतलब नेगेटिव क्वेश्चन हो गया, है ना, नेगेटिव क्वेश्चन हो गया ना सर, तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्स्ट अटैक और स्पेसिफिक फर्स्ट अटैक में बनेगा, है ना, ये तो ठीक है, है ना, स्लो इन इंटेंसिटी, ये भी ठीक है, इंटेंसिटी भी स्लो होती है, बहुत धीमा होता है, अपन ने बता ही दिया, इट कैन नॉट प्रिवेंट द एंटीजन इफेक्टिवली, ये तो गड़बड़ है, ये भी ठीक है, ये इतने एफिशिएंसी के साथ मैं उस एंटीजन को डील नहीं कर पाता, ये टाइम लगता है ना, लेकिन ये फास्ट एक्शन, ये गलत हो गया क्योंकि इसका एक्शन स्लो है, इसलिए ये अपने को पूछा ही गलत है, नॉट ए करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो ये फास्ट एक्शन इसका नहीं होता, तो यहाँ पर आंसर बेटा क्या हो जाएगा,
फोर फास्ट एक्शन क्या होता है, कब होगा, जब सेकेंडरी रिस्पांस हो, क्यों सर, उसको एनाम्नेस्टिक रिस्पांस, एनाम्नेस्टिक रिस्पांस, एनाम्नेस्टिक रिस्पांस सेकेंडरी रिस्पांस का ही नहीं, वो इसके लिए अगर फास्ट बता रहा है तो वो उसके लिए होता है, प्राइमरी रिस्पांस के लिए रॉन्ग हो गया, तो ये आंसर हो गया फोर, आंसर फोर हो जाएगा इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग WBC इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेलुलर बैरियर ऑफ इननेट इम्यूनिटी। आपको ध्यान है इम्यूनिटी दो पार्ट में इसको क्लासिफाई कर रखा है, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सर इननेट इम्यूनिटी में कई तरह के बैरियर्स है जिनमें फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, साइटोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। तो इनमें क्या पूछा है, इज नॉट कंसीडर्ड एज ए सेलुलर बैरियर ऑफ इननेट इम्यूनिटी। सेलुलर बैरियर जो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पैथोजन को फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो किल कर सकते हो, इस तरह के बैरियर इनमें कौन सा शामिल नहीं है, टी सेल्स नहीं होती, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, पीएमएनएल, ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर एंड मोनोमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रोफिल्स ये सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करती है, मोनोसाइट्स ये भी फैगोसाइटिक नेचर की है, तो फैगोसाइटिक नेचर की है तो सेलुलर बैरियर जो है वो उसमें बन जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है, इज नॉट कंसीडर्ड तो कौन सा इसमें कंसीडर नहीं कर सकते, टी लिम्फोसाइट्स को इसमें कंसीडर नहीं कर पाएंगे। क्लियर, आंसर इसका वन होता है, फर्स्ट हो जाएगा। आप देखिए ये पूछा है, डायग्राम दिया है एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का, द डायग्राम गिवन बिलो शोस एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विद देयर पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी ई एंड एफ, आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क्स एज ए बी एंड एफ। अपने को सिर्फ ये तीन वाले बताने हैं ना, ए बी एफ। अब जैसे ए बी और एफ कहां पे सही लिख रखा है वो ऑप्शन तलाशना है इसके अंदर। अब ए वाला ये ऑप्शन है जहाँ पे आके एंटीजन जुड़ता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई एंटीजन बाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होता है, है ना, पैराटोप और एपिटोप ये टर्म्स आपको आते होंगे, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ये लाइट चेन है, ये इसका वेरिएबल रीजन है, है ना, और ये कांस्टेंट रीजन है, और सी है डाइसल्फाइड बॉन्ड, दोनों चेन आपस में, दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। और पढ़ते हैं अपन बाकी ऑप्शन को, ए है एंटीजन बाइंडिंग साइट, बी है कांस्टेंट रीजन, तो कांस्टेंट रीजन तो है नहीं, ये गलत हो गया, आगे पढ़ना ही नहीं है इसको, ये तो हालांकि सही लिख रखा है, एंटीजन बाइंडिंग साइट ठीक है, वेरिएबल रीजन ये भी ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ऐसे ये एपिटोप है, वेरिएबल रीजन है और डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसको एपिटोप बता रहा था, एपिटोप नहीं होता है, क्या होता है ये, पैराटोप है ना। तो यहाँ पे अपने को एंटीजन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है, हालांकि ये चीजें जो है कई बार एनसीईआरटी में प्रॉपरली नहीं दी हुई जितनी अपन ने ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी इतनी नॉलेज जब अपन क्लास में पढ़ते हैं तो आपको बता दिया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई ए, बी हो गया इसका ये वेरिएबल रीजन है, और एफ हो गया इसका डाइसल्फाइड। अब मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन और देता हूँ थोड़ी बहुत इसकी, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है बेटा बी लिम्फोसाइट से बनी हुई प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, अपने पास में कितनी तरह की एंटीबॉडी, पांच तरह की, आईजीजी और वो सारा है ना। अब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली प्लाज्मा सेल्स ही होती है, तो सारा खेल उस प्लाज्मा सेल के डीएनए का होता है, वो डीएनए जो होता है वो मेमोराइज या मेमोरी बेस पे एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए वो अडप्ट हो जाता है धीरे धीरे, ये अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम है, बहुत इफेक्टिवली काम करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो बेसिक चेंजेस आते हैं, बेसिकली चेंजेस आते हैं वो इसके अंदर, ये इस वाले रीजन के ये जो जंक्शन है आपको ये नजर आ रहा है इसमें और इस रीजन में चेंज आता है, इसमें है तो वही सेल प्लाज्मा सेल, लेकिन कई तरह के मॉलिक्यूल से बाइंड करने की अडैप्टेबिलिटी उसके अंदर होती है, तो वो अमीनो एसिड सीक्वेंस में वो यहाँ पे और इस जगह पे वो डिटरमाइन करता है। साथ में ये जो रीजन है सर ये फ्लेक्सिबल होता है, मींस जैसे मैं आपको हाथ से इशारा करके बताऊं ये यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, ये इस तरह से इट कैन गो लाइक दिस ऑल, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा एक वो सर वो बता देते हैं, एपिटोप पैराटोप जो नाम आ रखे हैं इनमें थोड़ा सा एक चीज आप और ध्यान रखें, पैराटोप टर्म जो यूज होती है वो
एंटीबॉडी की साइट है जहां एंटीजन बाइंड होती है, पैराटोप एंड एपिटोप एंटीजन की वो साइट है जहां एंटीबॉडी कनेक्ट होती है। क्लियर, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि एपिटोप आपके दिमाग में, एपिटोप क्या था, तो एपिटोप और पैराटोप, पैराटोप एंटीबॉडी की साइट है जहां एंटीजन बाइंड होती है और एपिटोप एंटीजन की साइट है जहां एंटीबॉडी बाइंड होती है। क्लियर, नेक्स्ट, सेलुलर बैरियर इंक्लूड कोशिकीय अवरोध में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है, हाँ ये बताना आपको। तो इसमें सेलुलर बैरियर में कौन कौन से होते हैं, मोनोसाइट्स, फैगोसाइटिक सेल है, ये हो जाएगी सम लिम्फोसाइट्स, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल, तो लिम्फोसाइट्स में नेचुरल किलर सेल, ये भी फैगोसाइटोसिस करके खत्म कर सकती है, एंड न्यूट्रोफिल्स, ये भी फैगोसाइटिक सेल्स है, तो ये इसके अकॉर्डिंग सारे ठीक है, सारे इसमें जो है वो इंक्लूड है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जैसे वैक्सीन से अपने को किसी तरह की इम्यूनिटी मिली फॉर एग्जांपल, तो ये क्या स्पेसिफिक होती है, एंटीजन स्पेसिफिक होती है, मान लीजिए आज अपन लगाते हैं कोविड का वैक्सीन लगा रहे हैं, तो कोविड से प्रोटेक्शन देगा वो टिटनस से नहीं देगा, टिटनस का टीका लगा लिया तो कोविड से प्रोटेक्शन नहीं देगा, वो टिटनस से देगा, ये हो गई स्पेसिफिसिटी, समझ में आई बात आपको, अब इस वजह से पढ़ो, है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो एंटीजन अनस्पेसिफिसिटी, तो एंटीजन के लिए तो स्पेसिफिक होता है, तो इसमें ये तो गलत हो गया, अगली बार वो एंटीजन दोबारा आएगा तो उससे दोबारा से बाइंड करके उससे फिर लड़ लेगी वो दोबारा से, मेमोरी भी होती है उसके अंदर, वही अभी सर ने आपको बताया था वो एनमनेस्टिक रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड होता है सारा, है ना, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फॉर एंटीजन, डिस्क्रिमिनेट जो करती हैं वो एंटीजन्स के लिए नहीं, एक्वायर्ड जो होती है वो डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये है कि पहचानना उसको, एक स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है ना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझे आप कि प्रतिजन के लिए विभेदन, डिस्क्रिमिनेट करना, एक से दूसरे में अंतर पता करना, डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये होता है कि एक से दूसरे में सेल्फ नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट करना, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, हाँ कई बार क्या है ये प्रॉपर्टी अगर नहीं हो इम्यूनिटी की उस कारण से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं, बिल्कुल मायस्थेनिया ग्रेविस में जो आपने पढ़े हैं, हाँ वो जाएंगे अगर डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है वो इनकी खत्म हो जाए, हाँ क्लियर, तो ये भी इसके लिए करेक्ट है, स्पेसिफिक एक्वायर्ड के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे हैं, ये बचता है सी एंड डी, हां ये सर सही है, तो ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एन स्पेसिफिसिटी होने के कारण ही इसका गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये हां सर, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी एंड सेलेक्ट द आंसर्स विद गिवन कोड्स, अब यहां पर डिफरेंट टाइप के जो बैरियर्स हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है साफ साफ, है ना, इसमें चार तरह की जो बैरियर्स हैं, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइटोकाइन और सेलुलर बैरियर्स, इसको मैच कराना है, तो आपके सामने मैं मैच करा के बता रहा हूँ, जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो सलाइवा है ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है, ठीक है, तो आप इसको इस लाइन से जोड़ दिया, है ना, फिजिकल बैरियर तो ये स्किन वगैरह, ये फिजिकल बैरियर हो जाते हैं, म्यूकस सरफेस होती है, ये सारे ये फिजिकल बैरियर में आ जाते हैं, क्यों सर, ठीक है ना, फिर साइटोकाइन तो सेल रिलीज करती है, तो ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये सेल रिलीज करती है, ये इंटरफेरॉन्स साइटोकाइन बैरियर के अंदर इंक्लूड आ गए, है ना, और जो सेलुलर बैरियर ये सारी सेल लिखी रखी है, ये सारे सेल्स हैं, ये सेलुलर बैरियर हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो फर्स्ट के साथ फर्स्ट का फोर्थ है, सेकंड का सेकंड, सेकंड के साथ सेकंड है, ये वाला है, सी का है वन और डी का है थ्री, तो ये थर्ड आंसर इसमें सही आंसर मैचिंग हो गया इसका, है ना, एक थोड़ा सा इसमें इंटरफेरॉन के बारे में थोड़ा सा इनको बता देते हैं, इंटरफेरॉन आपको ध्यान होगा कि इनमें जो साइटोकाइन बैरियर है वो इंटरफेरॉन होते हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्टेड सेल जो है वो इंटरफेरॉन सीक्रेट करती है, और वो इन्फेक्टेड सेल वायरस के इन्फेक्शन को, ये वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्लियर, तो वो इसके साइटोकाइन बैरियर है, ठीक है,
आंसर हो गया इसका थ्री। थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ आवर इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल मेनली टू जनरेट एन इंटेंसिफाइड एनाफिलैक्टिक इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग रिपीटेड अटैक ऑफ पैथोजन। क्वेश्चन में आप समझ लें क्या कहना चाह रहा है, वो ये बता रहा है कि जो सेकेंड टाइम एनाफिलैक्टिक रिस्पॉन्स होता है, तो सर सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, उस टाइम रिपीटेड अटैक ऑफ पैथोजन, उस टाइम सेम पैथोजन का वापस अगर अटैक होता है तो वो फास्ट होता है, उसके लिए इसकी इम्यूनिटी की कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सर ने अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी आपको कि मेमोरी बेस्ड होता है, तो मेमोरी बेस्ड मीन क्या होता है कि वो फर्स्ट अटैक को अपनी मेमोरी में फीड रखता है, सेकेंड टाइम सेम एंटीजन अगर एंटर कर रही है तो वो तुरंत ही उसको रिकॉग्नाइज करता है, तुरंत एंटीबॉडी उस पर अटैक करती है। क्लियर? तो किसके बेस पर होता है वो? मेमोरी बेस्ड होता है। क्लियर? तो डाइवर्सिटी, स्पेसिफिसिटी, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या होना चाहिए? मेमोरी, मेमोरी बेस्ड। ठीक है, क्लियर? डायरेक्ट आंसर है इसमें। हाँ, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत पूछा है रिगार्डिंग द एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिंस, एक ही बात होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षी या इम्यूनोग्लोबुलिंस के संबंध में गलत है? दीज आर गामा ग्लोबुलिंस। गामा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शेप जो होती है वो गामा की तरह होती है, ये बात तो ठीक है, अपन को तो गलत ढूंढनी है। देयर मोनोमर्स आर फॉर्मड बाय टू हैवी एंड टू लाइट चेन, ये H2L2 होता है, ये भी करेक्ट है ना। There are two chains joined together by peptide, ये गड़बड़ हो गई, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये गलत है, है ना। There are five classes of antibodies, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये पांच क्लासेस होती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये तो मान लीजिए अपन ने एक चेन इस तरह से बनाया, ये हैवी चेन हो गया सर, और ये लाइट चेन हो गया, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड आने के कारण ये देखो यहाँ पर बात एक याद आ गई, इसलिए बता देता हूँ आपको अपने लिए न्यूट्रिएंट्स की क्या इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं कि साहब सल्फर क्यों खाएं यार, ये सल्फर है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये सल्फर खाने से ही आता है ना। अपन कहते हैं ना हेल्दी बैलेंस डाइट की बात करते हो आप, उसमें फॉस्फोरस भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, तो कहाँ कहाँ जरूरत होती है। यहाँ पे सल्फर रिक्वायर्ड है तब जाके ये एंटीबॉडी बन पाएगी, अगर बॉडी में सल्फर की कमी हो गई तो ये भी नहीं बन पाएगी, सही है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी पैराटॉप आर फाउंड इन एन आईजीएम मॉलिक्यूल। एक आईजीएम मॉलिक्यूल है उसमें कितने पैराटॉप होंगे? एक बात आप ध्यान रखें, थोड़ा सा ये एनसीईआरटी में ज्यादा इसके डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन सीरीज दे रखी है कि फाइव सीरीज जो है वो एंटीबॉडी की होती है, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम। IgM जो एंटीबॉडी है उसमें IgM एंटीबॉडी में फाइव मोनोमर होते हैं, तो सर इसको कहते हैं क्या है, पेंटामर कहते हैं इसको, तो ये पेंटामर होते हैं जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन के फाइव मोनोमर होते हैं। थोड़ा सा आप इससे आपको बता देता हूँ, इस टाइप से ये एक मोनोमर है, इस टाइप से इसमें फाइव मोनोमर इसमें होंगे, तो एक मोनोमर जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का उसमें कितने पैराटोप है? दो पैराटोप होते हैं, एक ये दूसरा ये पैराटोप। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था हमने कि पैराटोप और एपिटोप क्या है। पैराटोप एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है एंटीबॉडी की, तो एक मोनोमर पे दो पैराटोप है, ये पेंटामर है, तो पेंटामर इट मीन्स कितने होने चाहिए हर पे, 2 × 5 10 पैराटोप होंगे। तो सबसे ज्यादा जो पैराटोप होते हैं वो एक बात ध्यान रखें, IgM एंटीबॉडी में सबसे ज्यादा पैराटोप होते हैं जो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट प्रेसिपिटेट बनाने में हेल्प करती है। क्यों सर? इसका मैकेनिज्म का तरीका भी ये होता है, प्रेसिपिटेशन करती है, ये सारे एंटीजन्स को कलेक्ट कर लेती है। क्लियर? नेक्स्ट, नेचुरल किलर सेल्स किल वायरस इंफेक्टेड सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स को अपन शॉर्ट में NK सेल्स कह देते हैं। They kills the virus-infected cells and some tumor cells by producing. अब ये produce करती हैं इस तरह के substances जो कि infected cell में छेद निकाल देते हैं, perforation कर देते हैं उसके। ऐसे में क्या होता है कि जो virus उस cell के अंदर जाके जो multiply कर रहा है
वो सेल ही खत्म हो जाएगी तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये बॉडी का खुद का एक रेस्पॉन्स होता है ना। इसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। कई बच्चे सवाल करते हैं कि साहब ऐसा होता तो अपने अंदर वायरस इन्फेक्शन होते ही नहीं। तो इनकी क्या अपनी कैपेसिटी होती है, ये जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसकी अपनी एक क्षमता है, कैपेसिटी है, एंड इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट कैपेसिटी। टू सम एक्सटेंट दिस सिस्टम इज वर्किंग एफिशिएंटली, दैट इज व्हाई वी आर हेल्दी। आज अपने पास में ये हेल्दी बॉडी जो है, ये हेल्दी बॉडी इसी सिस्टम की वजह से। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पैथोजेंस है वो इतनी हैवी क्वांटिटी में एंटर कर जाते हैं या बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इतना हैवी इफेक्ट उसका, इसका तरह से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आता है उसका कि वो इम्यून सिस्टम क्रिपल हो जाता है, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि बॉडी का जो खुद का जो इम्यून सिस्टम है उसका पार्ट है NK सेल्स। ये आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है NK सेल्स को। तो NK सेल्स बेसिकली क्या कर रही है, कई काम करती है, लेकिन हाँ लेकिन यहाँ पर अगर अपन ऑप्शन देखें तो फेगोसाइटोसिस का जो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है इसका, लाइसोजाइम का डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको डैमेज कर देती है तो वायरस का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है एंड दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वायरस। दिस इज हाउ दे वर्क्स। तो आंसर इज 4। फोर्थ आ जाएगा परफोरेंस, क्लियर। तो ये बनाने के कारण इसमें नेक्स्ट 44, व्हेन अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द सिम्पटम ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन लाइक सब्सटेंसेस व्हाट यू एक्सपेक्ट इन हिज बॉडी। तो ऐसी कंडीशन कब आ रही है जब इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव हो जाए, इट मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलर्जिक। तो सर हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून सिस्टम एलर्जिक है। अब एलर्जी हो रही है तो कौन सी कंडीशन जो है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें डेफिशियंसी ऑफ बी सेल्स नहीं होता, बी सेल्स की डेफिशियंसी, डेफिशियंसी ऑफ ऑल टी सेल्स डेफिशियंसी से नहीं होती। इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव हो रही है, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो कर रही है, इट मीन्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है। तो इसमें डेफिशियंसी वाले दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। थर्ड, एक्सेस एक्टिवेशन ऑफ मास्क सेल्स एंड बेसोफिल्स, ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान है यहाँ ये क्या बता रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन इनका सोर्स क्या है, मास्क सेल और बेसोफिल्स, इन्हीं से सिक्रीट होती है। अब इनसे सिक्रीट हो रही है, वहां पर हाइपर सिक्रीशन हो गया है, ओवर सिक्रीशन हो गया है इनका, तो किसके कारण हो रहा है, एक्सेस एक्टिवेशन ऑफ मास्क सेल एंड बेसोफिल्स, क्लियर। तो ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में रखा है डेफिशिएंसी ऑफ एसिडोफिल्स, ये भी इनकरेक्ट है इसके लिए। डेफिशिएंसी की कंडीशन में एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती, ये कब होती है, जब इनका हाइपर सिक्रीशन होने लग जाए या ज्यादा नंबर्स में फॉर्म होने लग जाए, क्लियर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टिश्यू ट्रांसप्लांट, ऊतक प्रत्यारोपण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें पहला ऑप्शन है कि ट्रांसप्लांट मे बी टेकन फ्रॉम एनीबॉडी विदाउट एनी प्रिकॉशन, ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात हो गई, जो बिल्कुल ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इतना लापरवाही थोड़ी होती है उसमें। टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग इज एसेंशियल, सही बात है, करेक्ट है। साइक्लोस्पोरिन लाइक मेडिसिंस आर कंटीन्यूअसली टेकन बाय डोनर, डोनर नहीं रेसिपिएंट लेता है उसको, टू इनहिबिट द इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि पता लगा कि जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसका बॉडी का जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, तो ऐसे में उस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है ड्रग्स लाइक साइक्लोस्पोरिन। तो यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन डोनर को नहीं दी जाएगी, रेसिपिएंट को दी जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब इसमें अपने को पता करना है कि क्या सही है ना। अब ओनली ए इज करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है। ओनली बी इज करेक्ट, तो बिल्कुल सही है ना। सी इज करेक्ट, सी तो सही नहीं है, है ना। बी एंड सी आर करेक्ट, ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया इसका सिर्फ एक, ये ओनली बी इज करेक्ट, है ना। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे, तो वो गलत हो गए। थोड़ा सा इसमें सर ने भी बताई दिया वैसे, लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे बच्चे इसको डोनर और रेसिपिएंट वाला ध्यान नहीं रखते, उस चक्कर में इस आंसर को कहीं गलत करके आते हैं,
सर बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो इसको करीब करीब गलत आंसर करके आते हैं इसका, तो ये एक थोड़ा सा देखने वाली ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि डोनर का दिया हुआ है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, समझ गए ना, रेसिपिएंट आता तो ही सही होता है। तो ये इसमें नेक्स्ट शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा एंड थ्रो मदर्स मिल्क टू इन्फेंट इज रिस्पेक्टिवली ड्यू टू। तो ये आप देखिए प्लेसेंटा के थ्रू अगर मदर से फीटस में आ रही है और दूसरा जो है वो मदर्स मिल्क के थ्रू इन्फेंट में आ रही है, तो इस तरह की इम्यूनिटी जो है वो क्या है, एक क्या कह सकते हैं इसको, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। अब नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके कौन सी एंटीबॉडी जो है वो फीटस में आ सकती है, तो कौन सी है, सबसे शॉर्टेस्ट एंटीबॉडी जो है वो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी आईजीजी ये आ सकती है, मदर्स मिल्क आईजीए कोलोस्ट्रम के साथ, कहते हैं माँ का जो फर्स्ट मिल्क जो होता है कोलोस्ट्रम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एंटीबॉडी खूब होती है, तो वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, उसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो ये शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड हो रही है वो कौन सी एंटीबॉडी के थ्रू हो रही है, आईजीजी एंड आईजीए। तो दे रखा है आईजीजी आईजीडी, तो बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए इसके, इसका करेक्ट। अब एक चीज इसमें ध्यान देने की यह है कि रेस्पेक्टिवली ड्यू टू पूछा, रेस्पेक्टिवली ड्यू टू पूछा इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ एक कई बार गलत कर जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन में भी दे रखा है आई जी ए एंड आई जी जी, कंफ्यूजिंग है ये, कंफ्यूजिंग। अब यहाँ बच्चे कई बार क्वेश्चन भी करते हैं कि सर आई जी जी भी तो यही चीज है, ये यहाँ से प्लेसेंटा से आ रहा है और ये इसमें कोलेस्ट्रॉल से आ रहा है, तो ये आगे क्वेश्चन में भी आपको पूरा देखना है कि क्वेश्चन में दे क्या रहता है, सीक्वेंस सही होनी चाहिए, मदर मदर से फीटस में जाएगी तो मदर से फीटस में तो आईजीजी जाएगी है ना, और उसके बाद में ये मिल्क से आएगी कोलेस्ट्रॉल के साथ आएगी तो ये आएगी आईजीए है ना, तो ये थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस वाला बिल्कुल सही, क्योंकि फर्स्ट में और फोर्थ में आप कंफ्यूजन हो जाता है, कंट्रोवर्सी करने लग जाते हैं, दोनों ही सही है, तो ये आप ध्यान रखें इसका सीक्वेंस। Select the correct statements with respect to active immunity. तो सबसे पहले तो देखें कि provided by self antibodies. Active immunity में antibody body खुद ही बनाता है, है ना? ये ठीक बात है। दूसरा है कि activated due to entry of an active or inactive antigen in the body. तो इस बात ठीक है कि body में किसी भी तरह का antigen आता है तो antibody बन सकती है अगर वो वैक्सीन के थ्रू दिया जाता है तो, और ये बात भी ठीक बैठ रही है, इट इज स्लोअर देन पैसिव इम्यूनिटी, स्लोअर नहीं फास्टर होता है ना, एक्टिव हां सॉरी एक्टिव है तो ये इट इज स्लोअर, बिल्कुल सही बात है, पैसिव इम्यूनिटी एंड टेक्स मोर टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पांस, तो इसमें टाइम भी लगता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ठीक है, अगर वो पैसिव इम्यूनिटी होती फास्ट होती, फास्ट होती, एक्टिव इम्यूनिटी की चर्चा कर रहे हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी की चर्चा कर रहे हो तो वहां क्या होती है, वो पैसिव से स्लो होती है, स्लो होगी और फुल इफेक्टिव रिस्पांस के लिए टाइम लगती है। क्लियर, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके लिए सही बैठ रहा है, करेक्ट लग रहा है, फर्स्ट आंसर इसका है तो ए बी सी आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, वैक्सीन्स ऑलवेज कंटेन लिविंग पैथोजेंस, इनकरेक्ट है, लिविंग पैथोजन को ही वैक्सीन की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करोगे बॉडी में क्या करेगा वो, ज्यादा बीमारियां फैलाएगा, वैक्सीन्स में क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में डेड पैथोजन या फिर एटेन्यूएटेड जो पैथोजेंस है उनको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, अब उनको यूज करेंगे तो क्या करेगी बॉडी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करेगी, बॉडी के लिए तो वो एंटीजन ही है, भले वो डेड या किल्ड बैक्टीरिया जा रहा है तो वो भी एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, तो ये लिविंग पैथोजन है इसलिए ये wrong statement. Vaccines are used in vaccination but not in immunization program. ये भी क्या है? Incorrect हो गया. Vaccines are used in vaccination but not in immunization program. तो immunization program का part ही है वो vaccination. Vaccination करवा रहे हैं तो वो immunization का ही एक part हो गया. तो वो भी इसके लिए incorrect हो गया. उसके बाद आप देखें immunization can be performed with or without use of vaccine. दोनों possible है. तो ये वैक्सीन से भी और विदाउट वैक्सीन के भी इम्यूनाइजेशन किया जा सकता है, इसको समझाओ विदाउट कैसे है, हाँ, तो विदाउट और विद वैक्सीनेशन में वैक्सीन के
अब जैसे कई बार क्या है कि एक तो वैक्सीन लगा रहे हैं, तो वैक्सीन लगा के जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है। एक क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो है वो कई बार कोई भी पैथोजन बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और आ रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो वो भी एक क्या हो गया, पार्ट हो गया एक तरीके से, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा दिया। क्लियर? तो उस कंडीशन में क्या है, वो वैक्सीन से और विदाउट वैक्सीन के दोनों ही कंडीशन में इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। कई बार अपने आप हो जाता है, कई बार वैक्सीन के थ्रू होता है, तो इसलिए ये बात ठीक है, विदाउट विद और विदाउट। कहते हैं ना कि जो कोरोना पॉजिटिव जो पहले हो चुका है उसमें एंटीबॉडी बन गई, तो उसमें कहने की उसको टीका थोड़ी लगा, उसको जरूरत ही नहीं। अब वो प्लाज्मा डोनर हो गया, वो प्लाज्मा डोनेट करके अपने आप प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, तो उससे जो है वो लोगों के ऑटोमेटिकली जो वो वैक्सीन लग रहे हैं, तो वो क्या है, वो विदाउट वैक्सीन के डेवलप हो गया। प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन इज ऑलवेज एन एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दोनों बातें होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लस्सी का अंग प्रतिरक्षी के उत्पादन परिपक्व में सम्मिलित होता है? उत्पादन तो देखो करता है बोन मैरो, परिपक्वन होता है थायमस के अंदर, है ना, तो लिम्फ वेसल्स का परिपक्वन किसी का नहीं होता, तो बड़ा सरल सा है, इसमें तो दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो दोनों में ही होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों में। बनने का काम होता है बोन मैरो में, मैच्योरेशन का काम थायमस में और बोन मैरो में, दोनों में होता है। बी लिम्फोसाइट्स अगर देखें तो बी लिम्फोसाइट्स का तो बोन मैरो में मैच्योरेशन हो जाता है, टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन थायमस में होता है। आंसर हो गया 4, उसके हिसाब से 4 था। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिम्फोइड ऑर्गन्स, लसिकांगों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स स्टोर द लिम्फोसाइट्स एंड प्रोवाइड द साइट फॉर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्या होना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स स्टोर द लिम्फोसाइट्स एंड प्रोवाइड द साइट फॉर एंटीजन्स। उसके बाद सेकेंड देखिए आप, दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैचुरेशन, इनकरेक्ट पूछा है, दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैचुरेशन ऑफ ओनली बी सेल्स, ये गलत है इसका, दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैचुरेशन ऑफ ओनली बी सेल्स, दोनों का कर सकता है ये, बी सेल्स का भी मैचुरेशन करते हैं और टी सेल्स का भी मैचुरेशन करते हैं, तो बी और टी दोनों सेल्स का मैचुरेशन करते हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, अब ओनली लगा दिया स्टेटमेंट हो गया। थर्ड है, दीज आर यूजफुल फॉर बॉडी, करेक्ट है, बॉडी के लिए यूजफुल भी है। उसके बाद फोर्थ, थाइमस एंड बोन मैरो आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, करेक्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन किस बेस पे मान रहा है इनको, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जिनमें लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन, तो फॉर्मेशन और मैचुरेशन कर रहा है, तो अपना क्या कह देते हैं उसको, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और जहां ये लिम्फोसाइट्स जो है वो आने वाले पैथोजेंस को ट्रैप कर रहे हैं, रोक रहे हैं और उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारी साइट्स उसकी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए। तो ये क्या बता रहा है, थाइमस एंड बोन मैरो आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, करेक्ट है ये, उसके हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में सेकेंड हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि केवल बी सेल्स का दे रखा है जबकि दोनों को मैच्योर करते हैं। Choose the option which describe the physical barrier of innate immunity. सहज प्रतिरक्षा के भौतिक अवरोध का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें chemical like interferons protect the cells from viral infection, हालांकि बात तो ठीक है, लेकिन ये physical barrier वाली category में नहीं आता है, है ना? तो अपने को केवल physical barrier चाहिए अपन को, तो हालांकि statement ठीक है, लेकिन physical barrier का काम नहीं कर रहा है। Rejection of और एलोग्राफ है ना, तो एलोग्राफ मींस किसी दूसरे से ऑर्गन ट्रांसप्लांट एलोग्राफ कहलाता, तो वो उसका रिजेक्शन करता है, वो भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, फिजिकल बैरियर नहीं होता वो। ये आपको देखिए थ्योरी आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, एसिड इन द स्टमक, saliva in the mouth and tears in the eyes prevent the microbial growth, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है सारे। तो सही आंसर आपके सामने ये है कि म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स
एंटरिंग इन आवर बॉडी। तो ये बात सही है कि अपने पास में जैसे ही अपन ने खाना खाया उसके साथ में कुछ पैथोजन हाँ। चले गए, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो म्यूकोसा है वो उन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यूरिथ्रा जो होता है उसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है, और इसी तरह से ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एयर अपने अंदर जा रही है, हजारों लाखों पैथोजन एंटर कर रहे हैं, तो अपन बीमार नहीं होते ना, क्यों? क्योंकि म्यूकस जो है उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। तो ये इसी कैटेगरी में आ जाता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। यहाँ पर आंसर हो गया 4। तो आपको यहाँ पर थ्योरी पूरे से पता होनी चाहिए कि सेलुलर बैरियर में क्या इंक्लूडेड है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या इंक्लूडेड है, सारी आपने दे रखी है इसमें सारी। 52 फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑब्टेन द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सेकंड जनरेशन जो वैक्सीन तैयार किए गए हैं उनमें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो नए वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं। तो सर उसमें हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन तैयार किया गया है उसके लिए कौन सी सेल ली गई है, फंगल सेल्स जो है वो उसमें ली गई है जिनके अंदर इनकी कॉपीज जो है वो तैयार की जाती है उनके साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो वो इनमें प्रोटोजोन सेल, बैक्टीरियल सेल, ईस्ट सेल, प्लांट सेल, तो किसके साथ किया गया है, ईस्ट सेल के साथ जो है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को तैयार किया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। यस सर, और ईसरीमाइसिस सेरिनेसी उससे भी बनाई जाती है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर एनसीईआरटी को अगर आप फोकस करेंगे तो ईस्ट जो है वो थोड़ा सा ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है नीट में, टू बी फ्रैंक यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है क्योंकि इकोलाई कई कंपनियां हैं वो इकोलाई को यूज करके हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बना रही हैं, कई कंपनियां हैं जो सैक्रोमाइसिस सेरिनेसी ईस्ट को यूज करके वो वैक्सीन बना रही हैं। तो वैक्सीन तो दोनों से बन रही है हेपेटाइटिस बी की, लेकिन जो किताब में लिख रखा है हाँ उस हिसाब से ये ठीक है, हालांकि आजकल ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नीट में नहीं आते, लेकिन आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों से बनती है। ठीक है सर, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस विच इज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अगेंस्ट सम एंटीजेंस, है ना, कुछ एंटीजेंस के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होता है। दिस इम्यूनाइजेशन इज परफॉर्म, प्रतिरक्षाकरण एक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को एक प्रतिजन के विरुद्ध उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिरक्षाकरण की यह प्रक्रिया कैसे की जाती है, बिफोर द एंट्री ऑफ द एंटीजन इन द बॉडी, एंटीजन एंटर होने से पहले इम्यूनाइजेशन करा देते हैं, ठीक है, टीका लगा लेते हैं अपन, अपने को ये थोड़ी देखते हैं कि एंटीजन आया कि नहीं आया। After the entry of antigen to body, antigen के आने के बाद भी हो सकती है, है ना? It may be before or after the entry of antigen in the body. ये एक में ही दोनों चीजें दे दी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। It is not related to entry of antigen in the body, ये तो गलत। तो ये antigen की entry से इसका कोई relation नहीं है, क्या लगता है? यहाँ पर ये दोनों बातें ठीक हैं। तो before और after ये दोनों बातें ये ठीक है। इसलिए आंसर हो गया इसमें 3। Which of the following is not expected during the allergy? Allergy के time पे क्या expect नहीं किया जा सकता? Increased level of histamine होगा। Increased level of serotonin, ये भी increase होता है। Increased number of T suppressor cells, ये नहीं हो सकता। T suppressor cell जो है वो इसमें इंक्रीज नहीं होती। T suppressor cell इंक्रीज हो जाती तो एलर्जी होती ही नहीं। क्या सर? हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो होती ही नहीं अगर suppressor cell उसको इनहिबिट कर दे। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ो आप, नॉट एक्सपेक्टेड पूछ रहा, नॉट एक्सपेक्टेड क्या नहीं हो सकता? इंक्रीज लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन होगा, IgE बढ़ती है एलर्जिक कंडीशन में, यानी आपको IgE बढ़ती है, IgE बढ़ती है, सेरोटोनिन हिस्टामिन बढ़ते हैं, बेसोफिल मास्ट सेल वो क्या करती है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन सीक्रेट कर रही है, तो ये भी इंक्रीज होते हैं। क्या चीज नहीं बढ़ती? तो ये दे रखा है इंक्रीज नंबर ऑफ टीएस सेल्स, टी सप्रेशर सेल इंक्रीज नहीं। क्यों सर? इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी अदर ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड। सही है, ऐसा नहीं कर सकते किसी का भी किसी में लगा दे, किसी भी स्रोत जैसे जीवन प्राइमेट प्रत्यारोपण नहीं लिया सकता क्योंकि ये निरस्त कर दिया जाता है
ये किसके द्वारा होता है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, तो इसके अंदर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो साइटोटॉक्सिक, जो कौन सी सेल होगी इसके लिए, साइटोटॉक्सिक टी सेल सेल्स, सप्रेसर सेल्स इसमें काम नहीं करी, हेल्पर सेल, बी सेल्स जो होती हैं इनका इसमें डायरेक्ट रोल नहीं होता, इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, जो उसको क्या मान लेती है, वो एंटीजन मान लेती है, बाहर से कोई भी उसको अटैक कर देती है तो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, तो अपना जो रिजेक्शन हो जाता है ग्राफ्ट का, बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। Which of the following is following release some kind of cytolysis to kill the cells? किसी भी बाहर से आए पैथोजन को जो किल करने के लिए जो सेल को किल कर रहे हैं वो साइटोलाइसिन, किस टाइप की सेल्स जो है वो साइटोलाइसिन को रिलीज करती है। थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी हमने, परफोरिन सिक्रीट होता है, तो वो परफोरिन जो सिक्रीट हो रहे हैं उन परफोरिन का सिक्रीशन कौन सी सेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, सप्रेशर सेल, मेमोरी सेल, कौन सी करेगी, टी किलर सेल जो है वो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेल होती है, जो साइटोटॉक्सिक सेल जो है ये साइटोक्लाइसिन जो है वो सिक्रीट करनी है, क्लियर। तो ये इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, टी किलर सेल, एनके सेल या साइटोटॉक्सिक सेल, क्लियर। तो ये इसमें सेकेंड ऑप्शन। Which of the following is included in second line defense? है ना, तो अपने को पहले तो पता होना चाहिए first line क्या होता है। First line तो अपने mucosa हो गया, skin हो गया, ये सारे first line defense के अंदर आ जाते हैं। है ना, saliva हो गया, hydrochloric acid और वो सारा ये first line। देखा innate and acquired immunity। Innate immunity में physical barrier और सर physiological barrier, ये दोनों first line of defense हैं। उसके बाद cellular barrier and cytokine barrier, ये second line of defense। और acquired immunity जो है वो उसकी third line of defense है, बिल्कुल clear। इसमें skin जो है वो first line में आ जाती है, हाँ, ये second line में आ जाएगा, हाँ, macrophage second line। तो अभी तो अपन second line ही पूछ रहे हैं ना सर, हाँ, second line में skin तो नहीं आएगी, है ना, ये तो गलत हो गया, हाँ। Phagocytes, inflammatory barriers, fever, ये second line में आ जाएगा, phagocytes, lysozyme, mast cells, है ना, ये इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है, तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है फेगोसाइट्स, इन्फ्लेमेटरी बैरियर, फीवर, ये सेकंड लाइन डिफेंस में जाएंगे। फीवर के लिए आपको ध्यान है इसमें पाइरोजन वगैरह जो बन जाते हैं तो वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हो जाते हैं। सही आंसर इसके अंदर सेकंड है इसका। यस सर, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, अब ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड, ह्यूमर का मतलब क्या होता है फ्लूइड। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक तो अपने पता है दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तो होती है सेल मीडिएटेड, एक होती है ह्यूमरल। ह्यूमरल अपन मानते हैं एंटीबॉडी से प्रोड्यूस हो रही है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन से प्रोड्यूस हो रही है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं तो टी सेल्स, बी सेल्स एंड एंटीबॉडीज, टी हेल्पर सेल, फेगोसाइट्स एंड मैक्रोफेज, बी सेल्स एंड एंटीबॉडीज, बी एंड टी सेल्स। तो यहाँ पर बी सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, मास्ट सेल बनती है, सॉरी प्लाज्मा सेल बनती है ना, वो बी लिम्फोसाइट से बनती है आगे जाके, तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हो रही हैं और बी सेल के थ्रू प्रोड्यूस हो रही हैं, तो सर सही आंसर क्या रहेगा इसमें, थर्ड हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान है बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसी को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहेंगे, बिल्कुल। तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी या AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको इसीलिए कह रहे हैं कि एंटीबॉडी के थ्रू ये प्रोवाइड की जाती है, बना कौन रही है उनको, बी लिम्फोसाइट्स बना रही है, तो उसके अकॉर्डिंग बी सेल्स एंड एंटीबॉडीज, क्लियर, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना, पैसिव इम्यूनिटी इज फास्टर एंड इफेक्टिव फॉर एंटीजन सेल्स कंपेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी, करेक्ट है, पैसिव इम्यूनिटी इसकी एक्टिव इम्यूनिटी से फास्ट है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आर मोस्ट न्यूमरस
among T cells, ये भी करेक्ट है। तो helper T lymphocytes, numbers में याद है, immunological memory exists in passive immunity, passive immunity से memory का कोई जो है वो लिंक नहीं रहता। passive immunity में जाना आपको direct preformed antibody, रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो बाहर से इंजेक्ट की जाती है, तो वहां मेमोरी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। एक्टिव इम्यूनिटी के लिए मेमोरी बेस्ड होती है वो, क्योंकि उसमें पहले से जो एंटीजन आया हुआ है उसके साथ इंटरेक्शन को मेमोरी फीड होकर जाता है। क्लियर? तो ये इसके लिए इंटरेक्टिवलॉजिकल मेमोरी, ये तो सही है। उसके बाद इननेट कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी इज ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन, ये करेक्ट है। आंसर हो गया इसमें 3, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा ना अपने से, तो इनकरेक्ट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बाकी तो सब ठीक है। फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी एमिल वॉन मैनिंग, पहला ऑप्शन ठीक है इसके अंदर। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है वो पैसिव इम्यूनिटी की डिस्कवरी की थी, डिप्थीरिया का जो वैक्सीन है वो सबसे पहले इन्होंने डिजाइन किया था, तो इन्हीं को कह देते हैं फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, इसीलिए कहते हैं इनको। नोबेल प्राइज मिला था इनको 1901 में डिप्थीरिया के वैक्सीन की डिस्कवरी के लिए। नोबेल प्राइज विनर एमिल वॉन बेरिंग, ये तो आपको जाना है। एक्टिव इम्यूनिटी के लिए जो है वो जाने जाते हैं एडवर्ड जेनर, फर्स्ट वैक्सीन तैयार किया था इन्होंने उसके लिए, पॉक्स के। टर्म H12 रेफर्स फॉर, शब्द H12 का अर्थ है H12 टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन एंटीबॉडी, क्लियर? तो ये एंटीबॉडी का एक सिंगल मोनोमर जो है वो है, जिसमें कई एंटीबॉडी ऐसी भी है जिनमें केवल सिंगल मोनोमर होते हैं, एक ही मोनोमर होते हैं। कईयों में जैसे IgM आपने पढ़ा है उसमें 5 मोनोमर होते हैं, तो ये इस टाइप से H2L2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। epitopes present on antigen, antibody monomer, PNT lymphocytes, CMI, किसको represent करेगा? antibody के monomer को represent करता है। clear? तो ये इसके लिए जो है वो second हो जाएगा। next, which of the following explanation are related with bone marrow and thymus? अब bone marrow में दोनों तरह की जो लिम्फोसाइट्स हैं टी एंड बी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वो फॉर्म होती है थायमस में जाके वो मैच्योर हो जाती है टी लिम्फोसाइट्स, तो दे प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन, है ना, बोन मैरो एंड थायमस। तो बोन मैरो और थायमस, हां भाई इंटरेक्शन नहीं कर पा रही, इंटरेक्शन तो सिर्फ फाइबर होता है, हां सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो इंटरेक्ट करने के लिए, और ये बोन मैरो एंड थायमस ये केवल मैच्योरेशन और फॉर्मेशन के लिए। इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट, सेकंड। एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द बॉडी बाय ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, तो बोन मैरो के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन है वो वहां पे ट्रैपिंग वाला फंक्शन नहीं होता। ये भी इसमें इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, ये बात ठीक है। बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट, थायमस में टी लिम्फोसाइट, ये इमैच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट हो जाती है, इनका डीएनए अकॉर्डिंगली जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए कैपेबल होता है, तो ये बात ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये भी सही है, ये भी बात ठीक है। तो अब इसमें डेवलपमेंट और मैच्योरेशन दोनों कह रहे हैं इसके बोन मैरो में और थाइमस में, बी लिम्फोसाइट्स की तो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन दोनों ही बोन मैरो में जाती है, बी लिम्फोसाइट्स की टी लिम्फोसाइट्स में फॉर्मेशन बोन मैरो में और मैच्योरेशन थाइमस में। द लुकिंग इनटू ऑल दैट वी कैन से दैट ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर माल्ट? माल्ट जो है वो क्या है जिसमें म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जहाँ बैक्टीरिया वायरस इनके थ्रू अगर एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको ट्रैप कर रहे हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू बॉडी, करेक्ट स्टेटमेंट, NCERT की लाइन है कि ये टोटल लिम्फोइड टिश्यू का कितने परसेंट पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 50% पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इट इज प्रेजेंट इन म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी
डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये भी करेक्ट? एब्सोल्युटली, तो ये दोनों करेक्ट है। इट इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, करेक्ट है। तो ये इसमें ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? Which antibodies take part in natural passive immunity? है ना, passive का मतलब है कि when antibodies are introduced in the body, antibodies are not formed in the body. तो antibodies जब बाहर से introduce की जाती है तो वो कौन सी है इसके अंदर, which antibodies take part? Preformed antibodies. तो लेकिन साथ साथ में इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, natural, natural है। passive immunity भी दो type की है, natural immunity and artificial immunity. अगर बाहर से जैसे वो करवा रहे हैं, बाहर से टिटनेस का वैक्सीन लगा दिया, तो टिटनेस का वैक्सीन बाहर से लगवा दिया, वो क्या प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज में डाल तो रहे हैं, लेकिन वो क्या है नेचुरल, नेचुरल नहीं हो गया, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। अपने को यहाँ आइडेंटिफाई कौन सी करनी है, जो नेचुरल हो और पैसिव इम्यूनिटी हो। पहले से बनी हुई एंटीबॉडी है उसको एंटर करवा रहे हैं, तो IgG जो प्लेसेंटा के थ्रू जा सकती है और IgA जो कोलोस्टियम के थ्रू जा सकती है। तो ये मदर से फीटस में, इनबॉर्न बेबी में, इनके अंदर जो है वो ये दोनों तरह की एंटीबॉडी जा सकती हैं जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एग्जैक्टली है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एचआईवी फैक्ट्री। तो मैक्रोफेजेस जो होती हैं, ये वायरस वहीं पे जाता है, मल्टीप्लाई करता है ना, और इसी तरह से ये जो टी हेल्पर सेल है ये बाद में उनको इतनी तेजी से मारता है कि ये काम ही नहीं करता अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम। दो सेल्स अफेक्टेड, पूछा गया एक्ट लाइक एचआईवी फैक्ट्री, जो एचआईवी के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही है, तो एचआईवी फैक्ट्री किसको कहेंगे जो मल्टीप्लाई ज्यादा कर रही है आपको, उसके लिए करेक्ट क्या होना चाहिए, मैक्रोफेज के लिए। तो मैक्रोफेज में ये अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर जाके कहां अटैक करेगा, टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है, उनको धीरे-धीरे नंबर्स में रिड्यूस करता जाएगा, टी हेल्पर सेल्स की नंबर रिड्यूस हो जाएगी, उस कंडीशन में इसी टॉपिक को अगली गुरु नीति में अपन कंटिन्यू करेंगे, जहां अपने डिस्कस करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज पर। क्लियर? ओके, तब तक के लिए बाय।